स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है, हॉस्पिटल थोड़ी ना लोगों को जबा कर रही है। मेरी अम्मी की हालत देखो, उनकी उम्र क्या है, अभी 30 साल की भी नहीं, हम क्या करेंगे? मेरी अम्मी हमें छोड़ के चलेंगे किसकी वजह से? डॉक्टरों की वजह से। मैं सब अपनी मेरी अम्मी का मर्डर हुआ और किसने किया? डॉक्टर ने किया। एक बार फिर आपके साथ एक GMC रजौरी के रिलेटेड अपडेट लेके हाजिर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की ये विजुअल आप देख सकते हैं। आज एक और जो है वो शख्स डेड कर गया डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, जिस तरीके से कहा जा रहा है। आए दिन हमने देखा है कि GMC रजौरी के अंदर हर दिन कोई ना कोई शख्स जो है वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से डेड कर रहा है। आखिर इतनी जो लापरवाह इंतज़ामिया क्यों है? आखिर अगर दिन ब दिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोग जो है वो मर रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? डॉक्टरों के ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पीछे एक डेड बॉडी जो पड़ी है, मजबूर होकर जो है वो लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि जब कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है लोगों की और उसके बाद लोगों को मजबूर होकर उनके ऊपर उतरना पड़ता है, क्योंकि इंसाफ़ के लिए जब इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ जब कहीं से नहीं मिलता है, लोगों को मजबूरन जो है वो कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है और प्रोटेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि उनके जो फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पर, इनसे जानूंगा कि ये क्या दरअसल क्या माजरा है पूरा। ये मेरी अम्मी है, रात को बीमार हुए, 1 बजे इन्हें उल्टियाँ हो रही थी। हमने लाया था धनामंडी हॉस्पिटल, धनामंडी से थोड़ा बहुत उन्होंने किया, वो बोलते हमारे पास यहाँ पे इंतज़ाम ही नहीं, आप यहाँ, उन्होंने किया रजौरी रेफर। हमने लाया यहाँ पे आया डॉक्टर, पहले हम लेके गए एमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे लेके गए, डॉक्टर आए नहीं, डॉक्टर ही नहीं था कोई। फिर हमने ढूंढ ढूंढ के डॉक्टर को निकाला, डॉक्टर आया, थोड़ा सा देखा, कोई नाक में पाइप एक चढ़ाई, बोलते हैं ये अभी उठ के खड़े हो जाएंगे, अभी उठ के खड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये बिल्कुल पीले पड़ गए, बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल हिलजुल नहीं। कितने बजे लाया गया था इनको यहाँ पे? सुबह शायद 5 या 6 बजे लगभग, हाँ इसी टाइम लाया। फिर हम दूसरी बार डॉक्टर के पास गए, 2-3 बार आज सुबह लाया 2-3 बार डॉक्टर के पास गए। वो बोलता है अगर आपको बार बार आना है, जल्दी जल्दी आना, बार बार आना, इतना जल्दी करवाना तो मैं खासा करके दूंगा। खासा करके देने का मतलब क्या था उसका? अगर डॉक्टर यहाँ पे किस लिए गवर्नमेंट लगाए हुए, लोगों की जान बचाने के लिए, वो इतने क्योरलेस क्यों हुआ है? आज मेरी अम्मी मरे, कल कोई और भी मरेगा, कितनी फैमिलियों को ये यतीम करेंगे? हाँ सो उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लाओ, उनको पूछो कि ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाया हुआ है, हॉस्पिटल थोड़ी ना लोगों को जबा कर रहे हैं। मेरी अम्मी की हाल नहीं देखो, उनकी उम्र क्या है, अभी 30 साल की भी नहीं, हम क्या करेंगे? मेरी अम्मी हमें छोड़ के चलेंगे किसकी वजह से? डॉक्टरों की वजह से। मैं सब अपनी मेरी अम्मी का मर्डर हुआ और किसने किया? डॉक्टर ने किया। बस मैं यही, उस डॉक्टर को FIR लगाए और घसीट के लाया जाए उधर थाने में। डॉक्टर का नाम क्या था, मेंशन करना चाहोगे? डॉक्टर का नाम मैंने पढ़ा था, सिर्फ अब्दुल पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता पूरा नाम क्या था। नहीं, जो स्लिप होती है ना, जो आपको यहाँ से मिली, जो अटक अटक के बातें करते हैं, जो अटक अटक के बात करते हैं, हाँ वही डॉक्टर थे। उसकी इमरजेंसी में ड्यूटी थी? हाँ इमरजेंसी में ड्यूटी थी उसकी जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, और जो डॉक्टरों के जो बिहेवियर हैं, डॉक्टरों के जो बिहेवियर हैं उसको लेकर आप देखेंगे कि ये जो हालत यहाँ पे बनी है, और जिस तरीके से इनका ये कहना है कि सुबह इनको यहाँ पे लाया गया था ट्रीटमेंट के लिए, थन्ना मंडी से यहाँ पे रेफ़र किया गया था, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है डॉक्टरों की वो छलकती हुई नज़र आई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को मजबूर होकर जो है वो प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पर इनके हालात और वक़ात बनते हैं उसके बाद, और उसके बाद जिस तरीके से हमने जानने की कोशिश की थी इनसे कि डॉक्टर जो हैं वो डॉक्टर कौन से, तो उसके बाद इन्होंने बताया जिस तरीके से कि डॉक्टर अब्दुल रहमान जो हैं उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आए। और ये इनकी जो वालिदा थी, जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, जो इनकी वालिदा थी वो काफ़ी सीरियस थी, और उसके बाद यहाँ पे इनको लाया गया था, और ये बात भी इनको साफ तौर पर कही गई कि ये ठीक होंगे, लेकिन 1-2 घंटे के बाद ये डेड कर गई। सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ की इंतज़ामिया के ऊपर खड़ा होता है कि अगर हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई शख्स डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरता है, अगर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं डॉक्टरों के ऊपर, और उसके बाद
कार्रवाई डॉक्टरों के खिलाफ क्यों नहीं की जाती? डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरीके से अगर लोग मरेंगे तो अगर आए दिन लोग मरेंगे तो डॉक्टरों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि आए दिन जो है इससे भी जो है वो बड़े बड़े जो वाकात जो पेश आ सकते हैं। हमारी भी यही गुजारिश रहेगी कि जिस तरीके से जिन डॉक्टरों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं उनके खिलाफ जो है वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।